एपिसोड 18 की शुरुआत में पेटे पूछता है ये लिपस्टिक वहाँ कैसे रह गई। बादिन बोलता है कि हम साथ थे इसलिए छूट गया होगा। पेटे बोलता है कि समझता हूँ। पेटे मेन्यू मंगाता है। इधर लॉन्ग सना के वर्क प्लेस पे कॉफी लेकर आ गया था। सना लॉन्ग के शर्ट को साफ करने लग जाती है क्योंकि उसमें कुछ दाग था और ये सिख देख लेता है। लॉन्ग सना को देखने लग जाता है। सना बोलती है कि ज़्यादा हार्ड हो गई क्या मैं। लॉन्ग बोलता है कि तुम क्यूट के साथ साथ नेचुरल भी हो, इसलिए तो तुमने पाविन का दिल चुराया है। सना बोलती है कि बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हो। सिख वहाँ आकर बोलता है कि इतना वक्त क्यों लग गया। सना बोलती है कि इसलिए लेट हुआ क्योंकि आपने सामान ही इतना मंगवाया था। सना लॉन्ग को बताती है सिख उसका बॉस है और सिख को बताती है कि ये लॉन्ग है जो लाइफ कोच के साथ साथ टीचा का फ्यूचर फियांसे भी है। लॉन्ग जाने लग जाता है ये बोलकर कि इनविटेशन के लिए थैंक यू। सना बोलती है कि ऐसे मत कहो जैसे तुम भीख मांग रहे हो, तुम आओगे तो नाम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लॉन्ग बोलता है कि कोई हेल्प लगे तो मुझे ज़रूर बताना। सना उसका शुक्रिया अदा करती है। सिख बोलता है कि बाप रे तुम्हारा तो पूरा टोन ही बदल जाता है, चाहे जो भी हो तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, चलो जाके काम करो। सना बोलती है कि ये सब तुम्हारे कॉफ़ी की वजह से हुआ है। मैं क्या कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ आई हूँ। इधर सभी खा रहे थे जहाँ ऑन रीजा को बोलती है तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी जैसी लड़की को पेटे जैसा बंदा मिला है, तुम्हें पेटे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि अगर वो हाथ से फिसला ना तो बहुत लड़कियां हैं उसके ऊपर जंप करने के लिए। पेटे बोलता है कि सुना ना तो फिर तुम थोड़ी पॉजेसिव हो जाओ। रीजा का बैग अब नीचे खिंच जाता है और वो देखती है और तो बादिन से अलग ही लगी हुई है। रीजा बाथरूम चली जाती है। योग चाय के घर में मॉम के कपड़े लेने आई थी और वो सोफा में मालकिनों की तरह बैठकर चाय पीने लगती है और बोलती है चिंता मत करो मॉम, अगर मैं यहाँ आई तो आपका हर कुछ देख लूँगी आपके बाद भी। रीजा बाथरूम में वो लिपस्टिक निकालती है और उसे अभी अभी गुजारी ऑर्न के साथ बिताई हुई बात याद आ रही थी कि कैसे उसने उसका मजाक बनाया। रीजा उस लिपस्टिक को फेंक देती है और नाकर बोलती है कि क्यों फेंक दिया तुमने, मुझे लगा तुम्हारी फेवरेट होगी मिस्ट्रेस। इधर पेटे और बादिन में बात चल रही थी। पेटे बोलता है अलग लोगों के पार्टनर के साथ सोना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, अगर मुझे पता चले कोई मेरी बंदी के साथ सोया है और मैंने उसे रंगे हाथ भी पकड़ लिया तो मैंने तो उसे मार डालना है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा होगा। रीजा ऑर्न को जाने को बोलती है। ऑर्न बोलती है तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें तुम मुझे फेक अवार्ड देना चाहिए। रीजा जाने लग जाती है तो ऑर्न उसका बाल पकड़ के उसे नोचने लग जाती है। रीजा बोलती है कि तुम बदली नहीं, तुम किसी से भी जलती हो तो उसे मारने लग जाती हो, इतने केसेस हाई स्कूल में आए मुझे तो याद भी नहीं कि कितने आए होंगे। ऑर्न बोलती है तुमने जानबूझ के चाहा मैं तुम दोनों के बारे में जानूं, पास्ट टाइम पिछले टाइम तुमने इयररिंग जानबूझ के रखा और इस टाइम लिपस्टिक। रीजा बोलती है तब तो हर एक औरत को तुम ऐसे ही करोगी जो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिंक में होगी, अगर तुम्हारा बंदा उनसे उलझेगा ही नहीं तो वो लोग आगे भी नहीं बढ़ेगी। ऑर्न बोलती है ये बताओ तुमने उसके साथ मैसअप क्यों किया है। रीजा बोलती है कि शांत रहो, तुम ब्लू फैमिली से बिलोंग करती हो, अगर किसी को पता चला ना तो तुम लोगों की तो इज्जत का धजिया उड़ जाएगा। ऑर्न बोलती है अपनी मॉम से तुम अलग तो बिल्कुल भी नहीं हो, पूरा का पूरा खानदान ही स्लट है, और वो उसे एक तमाचा लगा देती है। रीजा भी उसे दो रैप्टे धर के देती है और बोलती है अगर तुम मारोगी ना तो तुम्हें भी उसका रिटर्न मिलेगा। ये जमाना पहले की तरह नहीं रहा कि सब बस खड़े खड़े सुनते रहेंगे। और उसे फिर से एक तमाचा लगाती है और रीजा भी उसे तमाचे के साथ लात भी मारती है। और बोलती है कि रुको अभी मैं तुम्हारा फेक आइडेंटिटी बाहर करती हूँ, तुम्हारा ये सारा भांडा खोलती हूँ कि तुम कैसी हो। और जाने लग जाती है तो रीजा उसे अभी की हुई बदतमीजी की रिकॉर्डिंग सुनाती है और बोलती है अगर मैं एक्सपोज हुई ना तो ये न्यूज भी फैलेगी। जनरल की पोती ने एक लड़की के चेहरे में स्क्रैच करना चाहा, कितनी जूसी न्यूज है ना। वहाँ पे काम करने वाली लेडी उन दोनों को आकर भगा देती है। रीजा वहाँ जल्दी में पेटे को आकर उसे घर छोड़ने को बोलती है। पेटे कार में रीजा से पूछता है तुम्हारा और ऑर्न का कोई झगड़ा हुआ। पेटे बोलता है तुम्हारे फेस पे रेड मार्क क्यों है। रीजा बोलती है ये लड़कियों की चीज़ें हैं तो तुम उसमें मत पड़ो। वो उसके क्लोज आ जाता है और रोमांस करना चालू कर देता है और आज रात इंटीमेट होने का प्लान करता है, बट रीजा उसे साफ मना करती है क्योंकि उसे नाम के साथ वक्त बिताना था। वो रीजा के अकाउंट में कुछ पैसे डलवा देता है। रीजा बोलती है ये किस लिए। पेटे बोलता है तुम ही ने तो कहा था ना तुम्हारी लिपस्टिक गुम गई है।
उसी के लिए है। पाविन के शूटिंग के बीच उसकी माँ आ जाती है। अब पाविन मॉम से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसने उन्हें कल रात नहीं बताया कि वो कल रात घर नहीं आएगा। मॉम पाविन को सीधे उसकी शादी को लेकर बोलती है। पाविन हैरान हो जाता है। मॉम बोलती है कि इतना क्यों हैरान हो रहे हो, कोई और मिल गया है क्या? पाविन बोलता है कि ये नहीं हो सकता है। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ, पूछने को नहीं। सना को लेकर तुम भूलना बिल्कुल भी नहीं। योग हॉस्पिटल आकर चाय को मॉम के कपड़े दिखाती है और उसको खाना सही वक्त पे खाने को बोलती है। रीजा अंकल पायाप का शुक्रिया अदा कर रही थी लैंड को लेकर, और उसे याद आने लगता है बादिन ने कहा था वो ऑर्न से प्यार नहीं करता, और जिस दिन ये पथाया वाला काम सॉर्ट हुआ ना तो उस दिन वो उसका हो जाएगा। और अब रीजा को बड़ी खुशी मिल रही थी। अब ये तीनों नाम से दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लग जाते हैं, बट उसे दरवाज़ा खोलना ही नहीं था। रीजा बोलती है इसे अकेले रहने दो। अब सना को अब कॉल आता है उसके फादर का, और वो उधर से कुछ सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। पाविन को उसकी माँ बताती है उसकी शादी कल है। पाविन तो हैरान हो जाता है और पूछता है क्या सना ने क्या कहा। मॉम बोलती है कि उसने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब वो शादी करना ही चाहती है। इधर जब ये बात थीचा और रीजा को पता चलती है तो थीचा बोलती है उसकी माँ ही सारे सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। ये लोग खाने को बैठ जाते हैं। चाय नाम को कॉल कर रहा था बट वो कॉल उठा ही नहीं रही थी, तो नाम उसे मैसेज करता है कि मेरा कॉल उठाओ। आज चाय को नाम की खालीपन महसूस हो रही थी और नाम को चाय की, और वो अपना वेडिंग ड्रेस निकालती है। चाय का कॉल उसे आने लग जाता है बट वो कॉल नहीं उठाती है। इधर गन अपने दोस्त को बोलता है वो अब और ये काम नहीं कर सकता है, उसे जल्द ही कैंपस जाना है। थीचा बोलती है शादी दो फीचा सना को बोलती है कि शादी दो लोगों के बीच होती है, उसकी माँ के बीच नहीं। लेकिन सना बस पाविन की ही तरफदारी किए जा रही थी, और वो बोलती है कि उसने मुझे 3 बार शादी के लिए अप्रोच किया है, और ऐसे लड़के आजकल के ज़माने में मिलते ही कहाँ हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ। थीचा बोलती है खुद को पुल मत करो यार, और वहाँ पाविन आ जाता है, और वहाँ थिप भी आ जाता है, और वहाँ लॉन्ग भी आ जाता है। सना बोलती है कि लॉन्ग को तो मैंने इनवाइट किया है। इधर योग चाय की मॉम के साथ थी। योग का कॉल चाय उठा ही नहीं रहा था। मॉम का इसमें कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, तो योग बोलती है कि आप इसमें इतना कम रिएक्शन कैसे दे सकती है? तो मॉम बोलती है कि अरे यार वो तुमसे ही शादी करेगा, उसकी तुमसे ही शादी होगी, अगर उसे नाम के साथ रहना है तो बस आज ही रह लेगा, और कितना रहेगा। अब योग फिर से मॉम की चापलूसी करने में लग जाती है। इधर सभी मिलकर नाम को निकालने की कोशिश में लगे थे। लॉन्ग नाम को अपना कंसर्न देने लगता है बट नाम तो सुनेगी नहीं। गन अब जाने लग गया था, उसका दोस्त उसे रोकने लगता है बट गन रुकना ही नहीं चाहता था, और वो बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं सो सकता, अगर मुझे इमेजिन भी करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नाम ही होगी। और गन अपने रास्ते निकल जाता है नाम को देखने के लिए। अब घर पे सभी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे सना और पाविन चेयर्स करते हैं, थिप भी चेयर्स करता है, और सना और पाविन साथ जाने लगते हैं, और लॉन्ग बोलता है कि मुझे भी जाना है। अब रीजा की माँ का कॉल आता है, तो रीजा अपनी माँ को बताती है वो मिस्टर पायाप से मिलने जाएगी, बट उसकी माँ उसे अकेले मिलने को मना करती है। बट रीजा को लगने लगता है कि उसकी मॉम ही उसे जल रही है। थिपथीचा का हाथ पकड़ बोलता है तुम्हें चलेगा अगर मैं तुम्हारा अब सीनियर ना रहूं तो, हमें डेटिंग करने का ट्राई करना चाहिए। थीचा बहाना बना के कॉफी बनाने का एक्ट करने लगती है। चार्ट अब इन सभी की फोटो देखती है और बोलती है अब तो और ज्यादा खेल में मजा आने वाला है। चार्ट थिप को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या तुम आज आओगे, बट वो मना करता है, तो वो उसे उन दोनों की न्यूड फोटो दे देती है। थिप बहुत डर जाता है। चार्ट बोलती है और भी देखना चाहोगे? थी चार रीजा से पूछती है थिप को देखा है। ऑर्न को अब रीजा की ब्लैकमेलिंग याद आ रही थी, और वहाँ बादिन आता है। बादिन को लेकर ऑर्न उससे झगड़ा करने लगती है। बादिन बोलता है रीजा ने मेरी मदद की है पथाया में जमीन लेने में। इधर रीजा को थीचा वो प्रपोजल वाली बात बताती है, और थीचा को लग रहा था कि थिप ने उसे जो किया है। थिप थीचा को कॉल करता है। थीचा बोलती है कि तुमने क्या पूछा था मुझसे? थिप बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई होप तुम गुस्सा नहीं होगी, सॉरी के तौर पे मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। थिप चार्ट के पास आता है। चार्ट बोलती है कि सोच से भी जल्दी आ गए। चार्ट बोलती है कि तुम उन फोटोज के लिए बहुत क्यूरियस हो गए ना। थिप बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कुछ और एक्सपेक्ट था कि तुम कुछ और बोलोगी, और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।
Had me fall into the ground.